साल 1993 की ये नारी मूवी तो आप सभी को याद होगी, जिसमें हमें साउथ के सुपरस्टार डुगुबाती वेंकटेश रामा का बॉडीगार्ड वाला किरदार निभाते हुए नजर आए थे, जिसमें ये बेहद मासूम और प्यारे लगे थे। तभी तो इस फिल्म में इनके कैरेक्टर को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डुगुबाती वेंकटेश से पहले ये रोल कई अभिनेताओं को मिला था, पर अपनी किसी न किसी कमी की वजह से या गलती की वजह से वो एक्टर डुगुबाती वेंकटेश के रोल रामा के लिए रिजेक्ट हो गए, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं उन एक्टर्स के बारे में जो अनाड़ी मूवी में डुगुबाती वेंकटेश के रोल के लिए रिजेक्ट हो चुके हैं। नंबर 1, विवेक मिश्राना। सौदागर और बेवफा से वफा जैसे फिल्मों में काम करके मशहूर हुए अभिनेता विवेक मिश्रान को अनाड़े फिल्म में डुगुबाती वेंकटेश का रामा वाला रोल ऑफर हुआ था, पर जब ये वहां पर ऑडिशन देने पहुंचे तो मेकर्स को इनका लुक ज्यादा पसंद नहीं आया, जिसके चलते ये उस रोल के लिए रिजेक्ट हो गए। नंबर 2, मामिक सिंह। जो जीता वही सिकंदर और क्या कहना जैसे फिल्म कर चुके अभिनेता मामिक सिंह को भी अनाड़ी फिल्म में डुगुबाती वेंकटेश का रोल ऑफर हुआ था, जिसके लिए ऑडिशन देने भी गए थे, पर मेकर्स को ये रोल में फिट बैठते हुए नजर नहीं आए, जिसके चलते उन्होंने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। नंबर 3, हरीश कुमार। कुली नंबर 1 जैसी कॉमेडी फिल्म में नजर आया अभिनेता हरीश कुमार को भी अनाड़ी फिल्म में डुगुबाती वेंकटेश का रोल ऑफर हुआ था, पर इन्होंने इन्हें इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक कॉमेडी रोल ही अच्छे से निभा सकते हैं, एक जिम्मेदारी भरा और सीरियस किरदार इनसे निभाया नहीं जाएगा। नंबर 4, दीपक तिजोरी। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता दीपक तिजोरी को भी अनाड़ी फिल्म में डुगुबाती वेंकटेश के रामा वाले रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। जी हाँ, क्योंकि मेकर्स को इनकी एक्टिंग कुछ खास नहीं लगी थी। नंबर 5, आमिर खान। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी अनाड़ी फिल्म में डुगुबाती वेंकटेश के रामा वाले रोल के लिए रिजेक्ट हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मेकर्स को इनका बिहेवियर ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि जब ये ऑडिशन देने के लिए पहुंचे थे तो ये फिल्म के स्टोरी को और फिल्म को सीरियसली नहीं ले रहे थे, जिसके चलते मेकर्स ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, आपको मेकर्स का इन सभी अभिनेताओं को रिजेक्ट करके डुगुबाती वेंकटेश को चुनने का फैसला सही लगा या गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।